के इकोनॉमिक्स के 7 चैप्टर का ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम सर्कुलर मैनर में फ्लो होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी है और उसके मनी रिसीट्स और पेमेंट एक सर्कुलर फ्लो में मूव होते हैं कंटिन्यूसली। और तो इसमें ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे डिटरमाइन होता है, तो इसमें जो है पहला पॉइंट है 2 सेक्टर इकोनॉमी, जैसे कि हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म्स। हाउस होल्ड मतलब एक फैमिली जिसमें लोग नॉर्मल हाउस हुआ जैसे, तो हाउस होल्ड की इनकम। और फिर बाद में बिजनेस फर्म्स जो कंपनीज हुए, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे कि या फिर कोई भी दूसरी कंपनी, ये हो गए। तो ये 2 सेक्टर होते हैं कौन से भी इकोनॉमी में, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स। तो इसमें इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहला है वाई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। वाई इधर क्या है कि इनकम है वाई इधर, और इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो सी क्या है, कंजप्शन। तो हाउस होल्ड कभी भी कंजप्शन कंज्यूम करता है, और प्लस आई तो आई क्या है इधर, इन्वेस्टमेंट। तो इन बिजनेस फर्म्स कभी भी इन्वेस्ट करते हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करेंगे और हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा, और ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। ये हाउस होल्ड हमेशा कंज्यूम करते रहेगा और बिजनेस फर्म्स प्रोडक्शन करते रहेगा कोई भी गुड्स या सर्विसेज की। और बाद में सेकंड है 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें 3 सेक्टर में क्या है कि हाउस होल्ड आ जाएगा पहला, मतलब कंजप्शन आ गया, बिजनेस फर्म्स मतलब इन्वेस्टमेंट आ गई, और थर्ड आ गया गवर्नमेंट सेक्टर मतलब हमारी सरकार जो कि स्पेंडिंग करती है रोड बनाने के लिए या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर कोई भी दूसरा कुछ काम करना है कंट्री के लिए, तो उधर आ गया गवर्नमेंट सेक्टर। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, पहला आ गया हाउस होल्ड, उसे हम डिनोट करेंगे कंजप्शन, बिजनेस फर्म्स आ गया, और थर्ड गवर्नमेंट, और फोर्थ है फॉरेन सेक्टर। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता ही है, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आया मतलब फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर मतलब इम्पोर्ट। तो हम एक्सपोर्ट तो हम हो गए कि दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे गुड्स और सर्विसेज, जैसे कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी डिफेंस वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इम्पोर्ट में हम कौन से भी फॉरेन कंट्री से गुड्स ले रहे हैं, भले वो कंप्यूटर्स हुए या फिर मोबाइल फ़ोन्स हुए, तो फॉरेन सेक्टर में एक्स माइनस एम मतलब हमारा एक्सपोर्ट एक्स से डिनोट होता है, इम्पोर्ट एम से डिनोट होता है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं, कौन सा, पहला है हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स, और सेकंड है 3 सेक्टर इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट का एडिशन होगा, 4 सेक्टर इकोनॉमी इसमें फॉरेन सेक्टर ऐड होगा मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो एक ओपन इकोनॉमी रहती है उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का इंक्लूजन होता है, और क्लोज इकोनॉमी रहेगी जो मतलब क्लोज इकोनॉमी मतलब वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं करती है, तो उसमें खाली 3 कंपोनेंट आएंगे, सी प्लस आई प्लस जी, उसमें एक्स माइनस एम नहीं आएगा। तो जैसे कि हम अभी देखने वाले 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, होल्ड आएगा और एक आएगा बिजनेस फर्म्स हमारे कंपनीज हुए। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और बिजनेस फर्म्स प्रोड्यूस करेगा। तो हम डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। तो ये डायग्राम इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हमारा डायग्राम, एक साइड आएगा हाउस होल्ड और दूसरी साइड आएगा फर्म्स। तो जो अपर हाफ है हाउस होल्ड के मतलब इस साइड है, तो वो हमारा क्या प्रेजेंट करता है, फैक्टर मार्केट। हाउस होल्ड से हमें क्या मिलते हैं, फैक्टर मार्केट मिलता है मतलब लोग काम करने के लिए लैंड मिल जाता है, लेबर मिल जाता है, और ये सब मिल जाता है हमें। तो फिर हमें हाउस होल्ड से लैंड आ रहा है, लेबर आ रहा है, कैपिटल और एक्सपेंडिचर एंटरप्राइज आ रहा है, मतलब हाउस होल्ड से ही हमें ज़मीन भी मिल जाती है, फिर काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं, और फिर बाद में पैसा भी मिल जाता है, और एंटरप्राइज मतलब कोई भी सेटअप करता है उसमें से एक निकल गए। तो ये जब चारों हमें हमारे पास आ गए, तो ये एक फर्म भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये चारों कंपोनेंट कभी भी फर्म सेटअप करने के लिए लगते हैं, तो इससे क्या होगा, फर्म बन गया। फर्म से बाद में क्या होता है, कंपनी से वो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करेगी, तो वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है तो कौन कंज्यूम करेगा, वो हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा। तो ये सर्कुलर वे में फ्लो करता रहेगा कि हाउस होल्ड कभी भी लैंड लेबर ये सब प्रोवाइड करेगा, फर्म उसको यूज़ करेगा, फर्म फिर उससे प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर बाद में गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कौन करेगा,
हाउस होल्ड, तो ये होता रहेगा, मतलब रिपीटेड प्रोसेस है बार बार। और इसी बाद में ऐसे हाउस होल्ड से कंज्यूम जो होगा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, ख़रीदने के लिए खर्चा होगा पैसे का, तो उससे बाद में फर्म्स को पैसा मिलेगा। तो फर्म्स को अगर पैसा मिलेगा तो वो फिर बाद में अपने जो भी अपने कामगार है, लेबर है, और फिर बाद में अपने उनकी ज़मीन का जो रेंट रेंट है, भाड़ा है, तो वो सब देने के लिए पैसा आएगा, तो वो पैसा बाद में वो भरेगा और बाद में अपना कंपनी चलाएगा। ग्राम का तो इसमें क्या बताया कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, कौन से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, या फिर एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं हम, तो वो सब आते हैं हमारे पास हाउस होल्ड से, ये बताया गया है। और वो बाद में यूज़ किधर होते हैं, फर्म्स में, मतलब कंपनीज में यूज़ होते हैं। और बाद में फर्म ये सब फैक्टर्स यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, जो कि कौन बाद में वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूज़ करता है, मतलब कंज्यूम करता है, वो हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करेगा। तो मतलब हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा फैक्टर, लैंड, लेबर, ये सब, और बाद में फर्म्स यूज़ करेंगे, फर्म्स बाद में प्रोड्यूस करके फिर से हाउस होल्ड को देंगे, और हाउस होल्ड उसे परचेस करके कंज्यूमर करेगा, कंज्यूम करेंगे। तो ये हमेशा रिपीटेड साइकिल है, ये चलते रहेगी, ये इसमें दिया है एकदम सिंपल वे में। और तो यही बताया कि मनी फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड्स, फर्म्स हाउस होल्ड टू फर्म्स, एंड फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स, और इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है उससे फैक्टर इनकम जनरेट होती है, मतलब जो भी लेबर्स हैं उनके लिए इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि वो काम करेंगे, और काम करेंगे तो कोई भी गुड्स एंड सर्विस बनेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे तो फिर हाउस होल्ड के पास पैसा होगा, वो उसे खरीदेंगे, खरीदेंगे तो फर्म्स के पास पैसा आएगा, और वही पैसा वो फिर अपने लेबर्स को देंगे, उनका सैलरी। तो ये है, तो दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूस एज अ प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वॉन्ट्स। तो इसमें यही बताया गया कि इसके वजह से प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का उत्पादन हमेशा के लिए कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती है, तो वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रोडक्शन चालू ही रहता है। तो और इससे मनी, तो इसके वजह से इनकम सर्कुलर वे में फ्लो करते रहती है हमेशा। और ये डू यू नो है, इसमें ये जो मैंने पहले बताया था कि थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट का एडिशन हो जाता है, फोर्थ सेक्टर में फॉरेन मार्केट का एडिशन हो जाता है, जैसे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वही बताया गया। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंडर कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। तो पहला है GDP, सेकेंड है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और थर्ड है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस का अभी हम देखेंगे GDP, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि टोटल, मतलब टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसमें क्या आएगा कि जो पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर में, जैसे कि 2020 में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनका टोटल लेंगे, और बाद में उसका उस टोटल करने के बाद जो भी उसका अमाउंट आएगा या फिर जो भी वैल्यू आएगी वो होगा हमारा GDP। तो इसमें क्या है, GDP इज़ द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसका यही मतलब है कि जो भी मार्केट वैल्यू पे गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है तो उसका पूरा टोटल एडिशन करते हैं, और फिर बाद में उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उसके बाद में GDP हमें मिलता है। तो ये GDP का फॉर्मूला क्या है, ये फार्मूले याद रखना है तो उससे तुम अपने आप लिख पाओगे। तो GDP का क्या है, GDP इज इक्वल टू C+I+G+(X-M)। तो हम जैसे बताया था कि सी मतलब कंजप्शन होता है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, और प्लस X(X-M) मेन इम्पोर्टेंट है याद रखना। तो X-X मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट अगर 50 है और इम्पोर्ट हमारा 30 है, तो हमारा इधर आएगा X-M 50-30 20। तो यही बताया था नीचे, अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि सी सिंबल का मतलब क्या रहता है, कि सी का क्या है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड जो कंज्यूम करता है, और आएगा डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो
पर्टिकुलर कंट्री के लोग उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर बाद में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं, और इससे गवर्नमेंट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंज्यूम किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर इन्वेस्टमेंट किया गया है जैसे कि रोड्स बनाने के लिए या फिर रेलवे लाइन्स बनाने के लिए, ये सब। और एक्स माइनस है नेट एक्सपोर्ट वैल्यू, दोनों को माइनस करके जो हमें अमाउंट मिलता है वो हमारा हो गया नेट एक्सपोर्ट वैल्यू। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी में नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन ईयर। तो इसका NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डिप्रिसिएशन, ये फार्मूला है। तो NDP है और फिर बाद में हम इज इक्वल टू GDP माइनस डिप्रिसिएशन। तो GDP हमारा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू आएगा, तो जिसमें कि डिप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, मतलब कोई भी मशीन्स को मेंटेन करने के लिए या फिर उसका ख़राब हुआ है तो रिपेयर करने के लिए जो खर्चा लगा वो भी इंक्लूडेड होता है। तो NDP में क्या होता है कि GDP में से माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन, मतलब जो कंपनी के मशीन्स को रिपेयर करने के लिए खर्चा हुआ है वो माइनस करते हैं, और फिर बाद में जो वैल्यू मिलती है वो हमारे हो गए NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जैसे कि NDP हमें ढूंढना है, तो जैसे कि हमारा GDP है 100 और हमारा डिप्रिसिएशन हुआ है 20 का, तो 100 माइनस 20 80, तो 80 हमारा आ जाएगा NDP, और GDP उसी जगह होगा 100, क्योंकि GDP में डिप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड था, NDP में डिप्रिसिएशन माइनस होता है। डिप्रिसिएशन जो मशीन्स का वेयर एंड टीयर होता है, मशीन्स ख़राब होते हैं वो रिपेयर होते हैं या फिर नया मशीन्स लेते हैं, तो वो सब इसके अंदर आता है डिप्रिसिएशन के अंदर। तो थर्ड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सेम GDP जैसे ही है, लेकिन इसमें जो भी पर्टिकुलर ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू, प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू, मतलब करंट लेवल पे जो उनकी प्राइस होगी उन गुड्स और सर्विसेज की, उस हिसाब से वो उसको कैलकुलेट करेगा और फिर उसकी वैल्यू निकालेगा। और इसमें बाद में रिसिप्ट और पेमेंट्स भी आ जाता है, जैसे रिसिप्ट मतलब जो हमें फॉरेन कंट्री में से मिलते हैं, हमारे लोग उधर काम करते हैं तो वहाँ से जो आता है पेमेंट वो हो गया हमारा रिसिप्ट, और माइनस पेमेंट्स मेड अब्रॉड, गवर्नमेंट ने जैसे कुछ लोन्स लिया है या फिर कुछ भी लिया है फॉरेन की कंट्री से, तो फिर उसका पेमेंट के लिए वो करने भरने के लिए जो लोन चुकाती है गवर्नमेंट, तो उससे हम पेमेंट बोलते हैं, तो वो होगा हमारा पेमेंट मेड अब्रॉड। तो GNP में क्या क्या आएगा, GNP इज इक्वल टू C+I+G प्लस ब्रैकेट X-M और माइनस प्लस R-P। तो ये हो गया हमारा GNP का फॉर्मूला। तो अभी फोर्थ कॉन्सेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इसमें क्या आएगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन ईयर। तो इसके अंदर मतलब क्या आएगा कि एक पर्टिकुलर ईयर में जो हमारे कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनका एक काउंटिंग होगा, और फिर बाद में उसका कैलकुलेशन किया जाएगा और फिर हमें मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब लोगों के कंट्री के लोगों के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो वो इसके अंदर आता है। तो NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन, इसमें भी ऐसा है किसके जैसा NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डिप्रिसिएशन था, इसमें NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन होगा। तो अभी ये ग्रीन GDP है, ये कंसेप्ट नया है ग्रीन GDP। तो ग्रीन GDP में क्या होता है कि इज एन इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ग्रीन GDP में ये एक जो गोल्स है, सस्टेनेबल गोल्स SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके तहत ये बनाया गया कि जो कोई भी जैसे कि कंपनी हुए उनके वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर जो इंपैक्ट होता है, जैसे कि कोई कंपनी केमिकल प्रोडक्शन करते हैं या फिर फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो कंपनी की वजह से कोई भी एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो वो माइनस करके जो हमें GDP मिलता है, GNP मिलता है, वो हमारा हो गया ग्रीन GNP। तो इसमें ये सब चीज़ें माइनस करते हैं और फिर बाद में कंट्री का GNP तैयार किया जाता है। जैसा कि इधर बताया गया कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये
क्या नहीं कंसिडर करता था, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितना हुआ है और नेचुरल रिसोर्सेज कितना डिप्लेट हुए, मतलब एक्सटेंड हो गए या फिर पूरा ख़त्म हो गए, जो कि प्रोडक्शन की वजह से हुआ ये सब। जैसे कि कोई भी कंपनी सेटअप कर रहे हैं हम एक लैंड एरिया में जहाँ पर झाड़ है, तो वो सब ट्रीज हमें काटने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वायरमेंटल लॉस हुआ। और तो ये अकाउंट करते हैं उसमें। और पहले नॉर्मल GNP में, ग्रीन GNP में, और नॉर्मल GNP में क्या करते हैं कि इसमें जो ट्रीज का कटिंग हुआ या फिर जो भी वाटर का पोल्यूशन हुआ ये इसमें अकाउंटिंग नहीं करते थे नॉर्मल GNP में, लेकिन ग्रीन GNP की वजह से हमें ये सब काउंटिंग कर सकते हैं हम। तो ये सब नीचे फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन GNP। तो जैसे कि सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलप, इससे मालूम पड़ता है कि हमारा कंट्री का इकोनॉमी डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, मतलब फ्यूचर के लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम करने के लिए इसको लाया गया है, जैसे कि पोल्यूशन ना हो और बाद में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोगों को इक्वल बेनिफिट्स मिले डेवलपमेंट के, इसलिए फिर बाद में इसके वजह से इकोनॉमिक वेलफेयर प्रमोट होता है लॉन्गर टाइम के लिए। इसके बाद में ये इसका कैलकुलेशन करेगा कि इन्वायरमेंट का पोल्यूशन हो रहा है या फिर डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से लोग कम करेंगे कि अगर पेनल्टी देंगे कि इतना पोल्यूशन किया तो इतना माइनस करेंगे तुम्हारा जो भी प्रॉफिट में से, गवर्नमेंट अगर माइनस कर दे तो वो कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। तो ये मेजर कैसे होता है ग्रीन GNP, तो ग्रीन GNP इज इक्वल टू GNP मेन GNP और फिर बाद में माइनस नेट फॉलोइंग स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल प्लस पोल्यूशन लोड। तो GNP माइनस ये GNP माइनस नेट फॉल ऑफ इन स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल मतलब ट्रीज हुआ या फिर लैंड हुआ या फिर वाटर हुआ, ये सब नेचुरल कैपिटल है। तो इनका कितना मतलब घट गई है, जैसे कि ट्रीज पहले 100 थे अभी 50 हो गए, तो ये हो गया नेट फॉलिंग स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल प्लस पॉल्यूशन लोड। इस और पॉल्यूशन लोड मतलब कोई भी कंपनी के द्वारा कितना पॉल्यूशन हुआ पर्टिकुलर कंट्री में इन्वायरमेंट का, तो वो इसमें काउंटिंग किया जाता है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो अगले वीडियो प्ले यूट्यूब चैनल में जाकर देख लीजिएगा जब आएगा वीडियो।